हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम रिक्रिएट करेंगे गीत का ये वाला लुक। सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र जेल। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जेल बेस्ड है, इसीलिए ये आपके फेस पे स्टिकी स्टिकी फील नहीं होता है, बहुत जल्दी है ये अब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का पोर मिनिमाइज प्राइमर। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है एंड ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है एंड फेस पे एक हल्की सी शाइन ला देता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। प्राइमर को फेस पे सेट होने के लिए कुछ सेकंड रहने देंगे, तब तक मैं अपने आईब्रो बना लूँगी। आईब्रो के लिए मैंने NYBAE की पेंसिल यूज़ की है, क्योंकि गीत के इस लुक में कोई हैवी मेकअप नहीं है, सो इसलिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन की बजाय मैं यहाँ यूज़ करूँगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जो कि हमें काफ़ी नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करेगी। डॉट डॉट करके इसे मैं पूरे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, देन एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन अंडर आई को कंसील करने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड इसे भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद स्विस ब्यूटी के लूज पाउडर से अंडर आई को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि उस पर कोई भी क्रीज ना हो। उसके बाद सेम लूज पाउडर से मैं अपने पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी। देन मैंने लिया है ये शुगर का ब्लश एंड इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। शुगर का ब्लश काफ़ी अच्छा है, इसका शेड मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। एंड देन मैं यूज़ करूँगी ये मियोन का हाइलाइटर कॉन्टोर ब्लश पैलेट। इसमें हाइलाइटर कॉन्टोर ब्लश तीनों मिलते हैं, इसे मैं फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। देन स्टाइलो का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इस लुक में आई मेकअप बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं ब्राउन शेड लेके फिंगर की हेल्प से ही इसे अपने आई शेडो पर लगा रही हूँ। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी NYBAE का काजल एंड इसे मैं एज अ आई लाइनर अपने आईज़ पे लगा रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से पहले मैं इसे अपने आईज़ पे लगाऊँगी, देन मैं आई शेडो ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। वाटर लाइन पे भी काजल लगा के मैं अच्छे से इसे स्मज करूँगी। सेम आई शेडो ब्रश की हेल्प से मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। देन ये ADS की लिप लाइनर है जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इससे मैं बहुत ही लाइट हैंड से यूज़ करके लिप लाइन करूँगी। देन यहाँ मैंने ली है ये NYBAE की लिपस्टिक जो कि लाइट न्यूड शेड में है। सबसे पहले मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल की मिनी लिपस्टिक इन द शेड ऑफ माय फर्स्ट पे 9। ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा सा शेड है ये एंड ये ट्रांसफ़र नहीं होती, स्मज नहीं होती, ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। सो लुक हो चुका है कंप्लीट। मेकअप सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ, इससे आपके फेस पे एक हल्का सा ग्लो भी आता है। एंड देन बल्ब जैसे चमकने के लिए हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे अप्लाई करूँगी एंड बस ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट। सो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।